नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मित्रों, प्राचीन काल में लोग अपने धन को किसी सुरक्षित स्थान पर या जमीन में गाड़ देते थे और चारों ओर से एक प्रकार के वो लोग निशान बना देते थे। उस काल में कागज के नोट नहीं बल्कि सोने चांदी के मोहर होते थे। तो क्या होता था, कभी कभी हमारे पूर्वज हैं धन को बिना बताए स्वर्गवासी हो जाते थे। अगर आपको भी लगता है कि आपके घर के जो पूर्वज हैं किसी जगह पे अमुक जगह पे धन छुपा करके रखे, जमीन में धन छुपा करके गाड़ के रखे हैं, आप उसे पता करना चाहते हैं, एडजस्ट यानी कि रियली जगह का पता लगाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में बताया गया जानकारी पूरी जिंदगी भर काम आएंगे। इसके लिए आपको तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, ओझा वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद घर पर ही यह प्रयोग करके देख सकते हैं। और इससे ये भी फायदा मिलेंगे कि उस धन की रक्षा कौन करे, नाग करे अथवा किसी भी प्रकार की कोई देवी शक्ति। आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। प्राप्त करने का सबसे सरल आसान विधि भी बताऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की प्राचीन ज्ञान की जानकारी आप सभी मित्रों को मिलती रहे, आप चाहते हैं कि पग पग पर मैं आप सभी मित्रों का मार्गदर्शन करता रहूं, तो आप मेरे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा विधि विधान नहीं है। अगर आप अपने आसपास में, घर के आसपास में जमीन में गड़ा हुआ धन पता करना चाहते हैं, तो सिंपल से आपको करना क्या है, रवि पुष्य नक्षत्र में ये गुंजा नाम का पौधा होता है, इस प्रकार से वीडियो में देख लीजिए। तो ये इसका तीन प्रजाति होता है, एक सफ़ेद कलर का होता है, एक लाल कलर का होता है और एक जो होता है थोड़ा सा मिश्रित लाल कलर का, एक सफ़ेद कलर का, एक काला कलर का होता है लाल कलर का। तो आपको सफेद कलर वाली गुंजा लाना है। सफेद कलर वाली जो गुंजा होता है इसे रवि पुष्य नक्षत्र में, इसे विधिवत रवि पुष्य नक्षत्र में रविवार के दिन पढ़ना चाहिए, तो शनिवार के दिन आपको निमंत्रण दे करके इसके जड़ को खन करके लाना है। इसके बाद इसके जड़ को पीस लीजिए, इसके साथ में शुद्ध देसी शहद मिला दीजिए। शहद मिश होता है मधुरस यानी कि हनी, आपको शुद्ध हनी मिला देना है। मार्केट में मिलावटी वाला आपको शहद का प्रयोग नहीं करना है, निकाला हुआ शुद्ध हनी होना चाहिए, शुद्ध शहद होना चाहिए। आप ढूंढेंगे तो आदिवासी एरिया में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो ये दोनों को मिला करके आपको काजल बनाना है, एक लेप बनाना है और इस लेप को आँख में लगा करके आपको जिस भी हिस्से में लगता है कि गड़ा हुआ धन है तो वहाँ पे लगा करके देखें, तो इस प्रयोग से जमीन में छिपा हुआ धन बहुत आसानी से दिखने लगते हैं। और उसके रक्षा कौन सी कर रहे हैं, कौन सा देवी शक्ति कर रहे हैं, नाग कर रहे हैं, तो आसपास में नाग भी दिखने लगेंगे। काजल इतना चमत्कारिक होते हैं, शायद अपने चैनल में जानकारी नहीं बताने वाला था, लेकिन आप सभी की जिज्ञासा शांत करने के लिए यह वीडियो अपने चैनल में साझा भी कर दिया। तो इस उपाय को कर सकते हैं और अपने जमीन में जिस भी आपके पूर्वज ने धन गाड़े हैं आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने का सरल विधि विधान भी बताऊंगा आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरि ओम।